सर्दियों में बहुत अच्छी क्वालिटी की बैंगन मार्केट में आते हैं, तो आज मसाला बैंगन फ्राई बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है, दाल चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है, इवन पूरी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। यहाँ मैं ग्रीन कलर का दो लंबे वाली बैंगन ले लिया। इसका सामने वाला पार्ट, जो डंठल वाला पार्ट है, उसको काट के साइड पे रख देती हूँ और हाफ इंच का लेंथ में गोलाई में काट लेती हूँ बैंगन को। ये दोनों पार्ट मैं यहाँ यूज नहीं करूँगी, कोई और सब्जी में डाल के इसको यूज कर लूँगी। दूसरे वाला भी मैं काट के रेडी कर लेती हूँ। अब एक पाउडर मसाला बनाना है, इसके लिए मैं छोटे चम्मच का 3 चम्मच बेसन ले लेती हूँ। बेसन के जगह आप मैदा भी ले सकते हो। धनिया पाउडर ले लिया 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर भी 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, मैं यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया, आप चाहो तो नॉर्मल जो रेड मिर्च होता है तीखी वाली वो भी ले सकते हो, नमक अपना स्वाद अनुसार। अब सारे पाउडर मसाला को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग हो गया है। अब बैंगन को इस तरह से दबा दबा के दोनों साइड में पाउडर को अच्छी तरह से दोनों साइड को कोट कर लेती हूँ। अभी ड्राई दिख रही है, 10-15 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। नमक है इसके अंदर, तो थोड़ी देर बाद ही सारे मसाला बैंगन के ऊपर चिपक जाएगा। बाकी बैंगन को भी मैं इस तरह से कोट कर लेती हूँ मसाला से। सारे बैंगन को मैंने मसाला से कोट कर लिया। अब इसे 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जिससे मसाला अच्छी तरह से बैंगन के ऊपर चिपक जाए। पैन में 2 चम्मच के आसपास तेल डाल दिया। फ्राइड बैंगन सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ सरसों के तेल ही डाला। तेल को स्प्रेड कर लेती हूँ। फ्लेम को मैं लो कर दिया और बैंगन को पैन में अरेंज कर देती हूँ। एक बैच में मेरा 7 ही आया है, इसको कवर कर देती हूँ, पर पूरा कवर नहीं करना है। वेपर निकालने के लिए रास्ता रख के टिल्ट करके मैं कवर कर देती हूँ और एक साइड को पकने देती हूँ। ये 2 बैंगन को नेक्स्ट बैच में फ्राई कर लूँगी और बाकी जो एक्स्ट्रा पाउडर मसाला यहाँ बच गया है, इसको फिलहाल मैं फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट दिन पराठा जब बनाऊंगी, पराठे में यूज़ कर लूँगी। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार लीड खोल के देख लेती हूँ। एक साइड ऑलमोस्ट हो गया है, टर्न कर देती हूँ। सारे बैंगन को टर्न कर देती हूँ मैं। बैंगन फ्राई अगर आपने इस तरह से ढक के पकाओगे तो तेल बहुत कम लगता है। फिर से और एक बार टिल्ट करके पैन को कवर कर देती हूँ और एक बार लीड खोल के देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। चाकू से एक बार चेक कर लेती हूँ, सारे बैंगन अच्छी तरह से मेरा कुक हो गया है। फ्लेम को हाई कर दिया और बैंगन को टर्न कर देती हूँ। सारे बैंगन को टर्न करते करते दूसरे साइड भी अच्छी तरह से ब्राउन कलर आ जाएगी। सबको मैंने टर्न कर लिया, फ्लेम मेरा हाई है। अब बैंगन को निकाल लेती हूँ। कोई भी फ्राइड चीज़ बनाने के समय जब उसको कढ़ाई या पैन से निकालोगे तो फ्लेम जरूर हाई कर लेना, उससे तेल एब्जॉर्प्शन सब्जियों में या जो भी आप फ्राई कर रहे हो इसमें कम होता है। तो फर्स्ट बैच का मैंने सारे निकाल लिया, 2 बचा था इसको भी डाल देती हूँ और बिल्कुल ही थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, कवर कर देती हूँ और रिपीटेड प्रोसेस में इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। मेरा मसाला बैंगन फ्राई बनके तैयार है। रोटी पराठा पूरी दाल चावल सबके साथ ये अच्छे लगते हैं, इवन कई बार चाय के साथ भी ये अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी घर पे बनाइए बैंगन, अभी बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्केट में अवेलेबल है। और अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए, आगे भी बने रहिए मेरे साथ। इस तरह का सिंपल होममेड रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।